राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र ने गुरुवार से ऑनलाइन लर्निंग की शुरुआत की है। रचनात्मक और अभिनव ऑनलाइन लर्निंग थिएटर सेशन के साथ ही चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल का आगाज हुआ। सेशन का विषय था स्टोरी मेकिंग इन थिएटर। इसका संचालन थिएटर कलाकार विशाल भट्ट ने किया। इस सेशन में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने दर्शकों के साथ एक वीडियो संदेश साझा किया। मंत्री कल्ला ने जेकेके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित चिल्ड्रन समर फेस्टिवल की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान यह पहल कई क्षेत्रों के कलाकारों को, विशेष रूप से युवा कलाकारों को, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। जेकेके की महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जयपुर के साथ साथ राज्य के कई क्षेत्रों के दर्शकों को जेकेके के कार्यक्रमों से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। शुक्रवार को थिएटर कलाकार अनुरंजन शर्मा थिएटर सेशन का संचालन करेंगे। इस ऑनलाइन लर्निंग थिएटर सेशन का विषय वॉइस एवं स्पीच होगा। आगामी सेशंस में भी हिस्सा लेने के लिए ना ही कोई एंट्री फीस देने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई फॉर्म भरने या रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी। अविरल गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं प्रमुख शासन सचिव कला और संस्कृति विभाग तथा जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समर कैंप की जगह इस बार ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के बाल कलाकारों को, युवा कलाकारों को आगे आने का मौका मिलेगा। आपको यह भी जानकारी देते हुए खुशी होती है कि भी हाल ही में लोक कलाकारों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए कला और संस्कृति मंत्रालय राजस्थान सरकार ने कलाकारों के वीडियो को आमंत्रित किया था। 3 व्यक्तियों की समिति ने उसका चयन करके जो चयनित कलाकृति वीडियो में आती थी, जो चयनित वीडियो कार्यक्रम आता था, उसको YouTube पे डालकर और उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। ये कार्यक्रम भी काफ़ी